इंट्रोडक्शन टू हेमाटोलॉजी सेफ्टी इन द क्लिनिकल लेबॉरेटरी। हेमाटोलॉजी जो है इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। हेमाटोलॉजी है वो ब्रांच है स्टडी है हेमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड ब्लड डिजीजेस। हेमाटोलॉजी में हम ब्लड की स्टडी करते हैं, ब्लड से ऑर्गन्स की फॉर्मेशन पढ़ते हैं और उसमें ब्लड डिजीजेस की स्टडी करते हैं। इट डील विद द फिजियोलॉजी, ये इसकी फंक्शंस, पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम इसमें डील करते हैं, लाइक हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया एंड सिकल्स एंड एनीमिया। हीमोफीलिया ब्लड रिलेटेड डिजीज है जहाँ में ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। ल्यूकीमिया कैंसर सेल्स डिजीज है बोन मैरो में। और सिकल्स एंड एनीमिया जहाँ जो है सेल्स ऑक्सीजन कैरी नहीं करते सही तरह और इनकी शेप जो है सेल की वो सिकल सेल की तरह हो जाती है। ब्लड ब्लड जो है स्पेशलाइज बॉडी फ्लूड है एनिमल्स में जो कि हेल्प करता है डिलीवर नेसेसरी सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सेल्स। जो ब्लड है एनिमल्स में एक फ्लूड है जो कि सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है वेरियस और जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको सेल्स से दूर कर देता है। मेटोप्योसिस ये प्रोसेस है जिसमें ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और जहाँ पे इन सब वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है जिस जगह से फॉर्मेशन होती है उनको हेमोपोएटोटिक टिश्यूज और ऑर्गन्स कहते हैं। जो है हेमोपोएटोटिक टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं उनमें बोन मैरो, लीवर और स्प्लीन आ जाता है। सेल्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीमोपेटोसिस में वेरियस फंक्शन करने में आर फर्स्ट सीन इन द योक। सेल्स रिस्पॉन्सिबल टू फंक्शन ऑफ हीमोपेटोसिस आर फर्स्ट सीन द योक ऑफ योक सैक ऑफ एम्ब्रियो इन थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दी सेल्स नोन एज हीमेटोप्योटिक स्टेम सेल्स। और जो सेल्स हेमाटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरियस फंक्शंस हैं हेमाटोसिस का। सबसे पहले चीक एम्ब्रियो की योक में थर्ड वीक जब उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का चल रहा था तो वहाँ पे जो सेल्स नज़र आए उनको हेमोपियोटिक स्टेम सेल्स कहा गया। आगे मल्टी पोटेंशियल हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कॉमन माइलियोट प्रोजेनिटर सेल्स और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स। कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स में मेगाकैरियोसाइट्स हैं जो कि बोन मैरो में प्रोकैरियोट्स बोन मैरो में प्लेटलेट्स बनाते हैं। और थ्रोम्बोसाइट्स एक्चुअली प्लेटलेट्स को ही कहते हैं जो कि डिस्क शेप सेल्स बनाते हैं बोन मैरो में। एथ्रोसाइट्स जो हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन पिकअप करते हैं और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कराते हैं और वेरियस टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। मास सेल्स जो है ये बोन मैरो ड्राइव्ड सेल्स हैं। मायोब्लास्ट जो है ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं इनको, जो कि ए फर्दर डिवाइड हुए हैं। बेसोफिल जो कि गैनिलोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स हैं। बेसोफिल का मेन फंक्शन ये है कि वेरियस फॉरेन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं और जो इनके ग्रैन्यूल्स हैं वो हिस्टामिन हेपरिन रिलीज करते हैं। उसके बाद न्यूट्रोफिल जो है वो केमिकली अट्रैक्ट होता है साइट इन्फ्लेमेशन में, ये भी गैनिलोसाइट्स है और ये एक्टिव फैगोसाइट्स टिक सेल है। ईओसिनोफिल्स जो हैं ये भी वाइट ब्लड सेल्स और गैनिलोसाइट्स हैं, ये भी फाइगोसाइटिक सेल्स हैं, ये इंजेस्ट करते हैं फॉरेन प्रोटीन को। मोनोसाइट्स जो है वो एक गैनिलोसाइट्स है जो फर्दर आगे मैक्रोफेज बड़े वाइट ब्लड सेल्स में डिवाइड होता है। उसके बाद कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स की बात करें तो नेचुरल किलर सेल्स जो है लार्जर गैन्यूल लिम्फोसाइट बनाता है और स्मॉल लिम्फोसाइट फर्दर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में डिवाइड होता है। स्मॉल लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट जो है वो बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है और बी लिम्फोसाइट वो बोन सेल से ओरिजिनेट हुआ होता है जो कॉलोनाइज करता है लिम्फ टिश्यू को जब वो मिच्योर हो जाते हैं। बी लिम्फोसाइट एक्टिव है वो आगे डिफ्रेंशिएट हो जाता है प्लाज्मा सेल्स में। फंक्शन ऑफ ब्लड
ब्लड के वेरियस फंक्शन है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में बात की जाए तो रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करते हैं, न्यूट्रिएंट कैरियर है गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक में, न्यूट्रिएंट कैरियर के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंडोक्राइन में, एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट वेरियस मेटाबॉलिक जो वेस्टेज है उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, रेगुलेशन ये रेगुलेट करते हैं पीएच को, एडजस्ट और मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, जो ब्लड का ये सारे ब्लड के फंक्शंस है, ये ब्लड जो है वाटर कंटेंट को जो है ना सेल में मेंटेन करता है, ये ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं लाइक वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे अगेंस्ट डिजीज में प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से बाय फाइगोसाइटोसिस, और ये जो रेजर वायरस सब्सटेंसेस लाइक वाटर इलेक्ट्रोलाइट एसेट्रा ये परफॉर्म करते हैं, हिमाटोस्टेसिस हेमोस्टेसिस मतलब ये ब्लीडिंग को क्लोटिंग कर देते हैं और जिससे जो इन प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग और इंजरी। नेक्स्ट स्लाइड है फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड का मेन फंक्शन है गैस ट्रांसपोर्ट, जो ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन रिवर्स डायरेक्शन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस फॉर आवर सेल्स, ब्लड जो है वो वेरियस न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस को सेल में ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, वाइटामिन, कीटोन बॉडीज, माइक्रो एलिमेंट एसेट्रा, ब्लड कैरी करते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स को मेटाबॉलिज्म के लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, बिलीरुबिन, केराटिन टिश्यू से किडनी में, और फिर वो एज अ यूरिन की फॉर्म एक्सक्रीट हो जाता है, रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस रेगुलेशन करता है डिफरेंट प्रोसेसेस में, जैसे ब्लड क्रिएट एंड कैरीज लोकल हार्मोन्स टू टारगेट ऑर्गन्स। फंक्शन ऑफ ब्लड में थर्मो रेगुलेशन के तौर पे भी ब्लड हेल्प करता है, हीट चेंज करता है बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड, उसके बाद ऑस्मेटिक फंक्शंस में भी हेल्प आउट करता है, मेंटेनेंस करता है ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड सेल्स में, ब्लड वेसल्स में मेंटेन करता है, प्रोटेक्शन करता है फंक्शन में प्रोटेक्शन के तौर पे, एक ऐसे फंक्शन है ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं और लीकोसाइट्स होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस का जो फिनोमेना है उसको परफॉर्म करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ब्लड इंजाइम कैन न्यूट्रलाइज डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ब्लड जो है ना हमारे ब्लड के अंदर डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनके जो पीएच है ना उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और वो हमें हेल्प आउट करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर जो है वो रेड कलर होता है, और आरटीओ ब्लड की बात करें तो स्कारलेट रेड कलर होता है, बिकॉज इट कंटेन मोर ऑक्सीजन एंड वीनियस ब्लड इज पर्पल रेड बिकॉज ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, आरटीओ ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, वीनियस ब्लड जो है वो पर्पल कलर का होता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम जो ब्लड है नॉर्मल अडल्ट के अंदर 5 लीटर है, और न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो 450 ml है, जैसे जैसे ग्रोथ ही होती जाती है तो ये वैसे वैसे 5 लीटर एट द टाइम ऑफ पॉबर्टी, मतलब जब पॉबर्टी पे पहुंच जाते हैं तो उसकी 5 लीटर तक ब्लड की ग्रोथ हो जाती है। इन फीमेल इट इज़ स्लाइट लेस एंड इज़ अबाउट 4.5 लीटर, फीमेल्स में ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम होता है 4.5 लीटर तक होता है, इट इज़ अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट इन नॉर्मल यंग हेल्थी अडल्ट वेइंग अबाउट 70 kgs। रिएक्शन एंड पीएच, ब्लड इज स्लाइट एल्कलेन होता है और इसकी पीएच जो नॉर्मल कंडीशन में 7.4 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है टोटल ब्लड की 1.5, 1.052, 1.061 है, अगर टोटल ब्लड की नहीं, अगर ब्लड सेल्स की बात करें तो 1.092, 1.101 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.022, 1.026 है। ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो 5×4 विस्कस है वाटर से, इट इज मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन, ये आगे उनकी परसेंटेज बताई गई है कि प्लाज्मा 55% है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है, इसमें उन्होंने बताया है उसमें बताया कि प्रोटीन 70% है, वाटर की क्वांटिटी 91% है, और अदर सोर्सेज 2% है,
उससे एक साल उन्होंने 14 बताया कि एल्बुमिन जितने परसेंट है, ग्लोबुलिन 38%, फिब्रिनोजन 40%, और अदर सोल्यूट्स में आयरन न्यूट्रिएंट बेसिस और गैसेज एग्लूटी सेफ्रेंसिस आते हैं। आगे उन्होंने बताया कि वाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट मोनोसाइट और सीनोफिल्स बेसोफिल्स की कितनी परसेंटेज है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड जो है प्लाज्मा में 50-60% वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो है। अगर सेलुलर कॉम्पोनेंट्स लाइक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की 40-45% वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो। वाटर जो है प्लाज्मा में 91% होता है, सॉलिड 9%, और इसमें इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं। कॉम्पोजिशन प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। मेच्योर रेड ब्लड सेल्स को फ्लेक्सिबल बाइकनकेव डिस्क। डिस्क डायमीटर जो है वो 6 to 8 मिलीमीटर है और इसकी थिकनेस है 2 मिलीमीटर। अगर मेल में इसकी काउंटिंग की बात करें कि मेल में इतनी क्वांटिटी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो 4.50 to 6.50 to 106 पर मिलीलीटर। अगर फीमेल में बात करें, फीमेल में ब्लड की क्वांटिटी हमेशा कम होती है ड्यू टू सम फीमेल रीजंस, तो फीमेल में इसकी क्वांटिटी है 3.80 to 4.80 per 106 पर मिलीलीटर। अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन जो है वो 120 डेज होता है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स को लीकोसाइट्स कहते हैं। ये ब्लड सेल्स जो फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन के। वाइट ब्लड सेल्स जो बेसिकली जो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सेल इन्फेक्शन होता है ना, उसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। रेंजेस इसकी है 4.0 to 11.0 to 103। इंक्रीज इसमें क्या होता है, लीकोसाइटोसिस इंक्रीज होती है और लीकोपीनिया डिक्रीज होता है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स बनते हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये स्मॉल इरेगुलर शेप सेल होते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। इनका डायमीटर है 2 to 3 मिलीमीटर और इसका लाइफ स्पैन है 7 to 14 डेज। थ्रोम्बोसाइटोसिस एलिवेटेड प्लेटलेट काउंट, इसमें जो है वो 4.5 लाख से ज़्यादा ग्रेटर होता है। अगर काजिज़ की बात करें तो इन्फेक्शन, मेलिगेंसी, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, डी वीनियस थ्रोम्बोसिस, इसमें ये जो है इसके मतलब इससे ये डिजीज जो हो सकती हैं वो ये वाली हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, इसमें ये भी एक डिजीज़ का लेवल है जिसमें 1.5 लाख से कम जो है ना प्लेटलेट्स का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोसिस में प्लेटलेट्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इसके काजेज क्या हैं, बोन मैरो डिसफंक्शन, मेलिगेंसी, मेडिकेशन और कीमोथेरेपी। और इसकी मेन एग्जांपल हीमोफीलिया भी है जिसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती और प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी जो है मेडिकल जेनेटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इसके थ्रू हम वेरियस स्टडी करते हैं मेडिकल जेनेटिक्स की, जिसमें हम डेवलपमेंट डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं। हेमाटोलॉजी में हम ऑन्कोलॉजी की स्टडी करते हैं जिसमें स्टडी ऑफ कैंसर सेल्स ऐसे आ जाते हैं। उसके बाद हेमाटोलॉजी में न्यूक्लियर मेडिसिन में भी हेल्प आउट करती है। उसके बाद हेमाटोलॉजी की टर्म से हम ब्लड बैंकिंग और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का नॉलेज भी ले सकते हैं। उसके बाद ये हेल्प करती है क्लिनिकल पैथोलॉजी और लेबॉरेटरी मेडिसिन में, इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल, क्लिनिकल केमिस्ट्री वगैरह आ जाती है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी में हेल्प आउट करती है। उसके बाद स्कोप ऑफ हेमाटोलॉजी, सम ऑफ द डिजीज ट्रीटेड बाय हेमाटोलॉजिस्ट इंक्लूड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड अदर टाइप्स ऑफ एनीमिया सच एज सिकल सेल एनीमिया। हेमाटोलॉजी में हम डिफरेंट डिजीज को स्टडी करते हैं जो कि ब्लड रिलेटेड डिजीज होती हैं। जो एनीमिया है इसमें आयरन डेफिशिएंसी पिगमेंट नहीं होता, आयरन इसमें नहीं होता, जिसकी वजह से एक एनीमिया है जो सिकल सेल एनीमिया है वो इससे काज होता है, जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकीमिया,
ये सारे इसके स्कोप हैं। उसके बाद प्लेटलेट एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर सच एज हीमोफीलिया। प्लेटलेट और ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसमें हीमोफीलिया, हीमोफीलिया है ब्लड रिलेटिंग डिसऑर्डर है ये, जिसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनता, और इसमें ब्लड प्लेटलेट्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। हीमोलोबिनोपैथीज सच एज थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सारे क्या है हेमाटोलॉजी के स्कोप। सेफ्टी इन क्लिनिकल लेबोरेटरी। क्लिनिकल लेबोरेटरी इज अ लेबोरेटरी वे टेस्ट और डन ऑन क्लिनिकल स्पेसिमेंस इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ ऑफ अ पेशेंट टू एड इन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज। क्लिनिकल लेबोरेटरी में डिफरेंट पेशेंट के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, फिर उनके टेस्ट किए जाते हैं, जिनकी बेस पर हम पेशेंट के अंदर कौन सी बीमारी जो रिकॉग्नाइज हुई है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी प्रिवेंशन क्या है, ये सारा हम क्लिनिकल लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं। सेफ्टी मीन्स इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ हैजर्ड एग्जिस्ट इन द क्लिनिकल लेबॉरटरी एट एनी टाइम। सेफ्टी ज़रूरी है इन सब के लिए क्लिनिकल लेबॉरटरी में, ताकि कोई मज़ीद इन्फेक्शन ना हो सके। इसके लिए जो बेसिक क्लिनिकली हमें चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए वो स्टडी करेंगे हम। लेबॉरटरी सेफ्टी रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं लेबॉरटरी सेफ्टी के, जिसकी जिसका मकसद ये होता है कि जो डिजीज रिकॉग्नाइज या जिसके टेस्ट किया या जो भी है वो डिजीज़ जो है उसे, जो लेबॉरटरी में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, वो बाहर काज इन्फेक्शन ना काज कर सके किसी चीज़ की वजह से। मेजर स्टेप्स ऑफ एवरी क्लिनिकल लैब, ईच पर्सन इन क्लिनिकल लैब मस्ट फॉलो स्पेसिफिक सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर। जो भी पर्सन जो क्लिनिकल लेबॉरेटरी में होता है उसको एक स्पेसिफिक सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। लेबॉरेटरी सेफ्टी रूल्स, लेबॉरेटरी में ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और कॉस्मेटिक और लिप बाम और हैंडली कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है ना उनसे रोका जाता है, वो उन सब चीज़ों को अलाउ नहीं किया जाता लेबॉरेटरी में, क्योंकि इनसे इंट्रैक्शन होती है डिफरेंट चीज़ों की, और जिससे हम लोग डिजीज़ या कोई भी चीज़ों लेबॉरेटरी जो इन्फेक्शस हो सकता है हमारे लिए, वो हम हमारे अंदर इन्फेक्शन काज कर सकता है इन सब चीज़ों की वजह से। क्योंकि डैम लेबॉरेटरी के बाद हमने बाहरी बहुत सारे लोगों से इंट्रैक्शन करना होता है, जिसकी बेस पे हम इन्फेक्शन वगैरह जो है उसको काज होने का या स्प्रेड होने का खदशा होता है। फूड एंड ड्रिंक शुड नॉट स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, कैबिनेट्स, ऑन शेल्फ्स, काउंटर टॉप्स और बेंच टॉप पे ब्लड और अदर पोटेंशियली इन्फेक्शन मटीरियल्स आर स्टोर इन अदर एरियाज ऑफ पॉसिबल कंटेमिनेशन। कोई भी खाने पीने की चीज़ जो है ना जो लेबॉरटरी के अंदर रेफ्रिजरेटर और कैबिन और शेल्फ वगैरह होते हैं उसके अंदर रखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन काज होने का खदशा होता है। लॉन्ग हेयर, टाई, स्कार्फ्स एंड इयररिंग शुड बी सिक्योर्ड। और जो भी अगर आपने लेबॉरेटरी में बाल वगैरह, स्कार्फ वगैरह को अच्छे तरीके से बांधना है, ताकि इससे भी कोई इन्फेक्शन कॉज ना हो। लेबॉरेटरी सेफ्टी रूल्स में यूज़ अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, उसमें लैब कोट आ जाता है, गूगल्स आ जाते हैं, शूज़ वगैरह आ जाते हैं। फिर मतलब आपने अपने को प्रॉपरली कवर अप करना है जब आपने लेबॉरेटरी में जाना है। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट सेफ्टी प्रिकॉशन वी शुड बी प्रैक्टिस आफ्टर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट एंड लेबॉरेटरी स्पेसिमेंस। ये वियर हमने प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग करनी है, जिसमें ग्लव्स, लैब कोट, शूज़ वगैरह प्रॉपरली हमने पहने हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से कोई भी इन्फेक्शन को बाहर या कहीं बाहर ना लेके जा सके। उसके बाद लेबॉरेटरी पर्सनल शुड नॉट वियर सैंडल्स, लेबॉरेटरी में सैंडल्स वियर करने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद अवॉइडिंग टच ऑब्जेक्ट्स जैसे पेंसिल, सेल्स, स्पून्स, डोर हैंडल्स वाइल वीडिंग ग्लव्स, पेंसिल्स, लेबल्स और एनी अदर मटीरियल शुड नेवर बी प्लेस्ड इन माउथ। कोई भी जो पेंसिल वगैरह या लेबल या कोई भी मटीरियल उसको मुंह में मतलब माउथ से इंट्रैक्शन नहीं उसका होना चाहिए, इससे भी इन्फेक्शन काज होने का खतरा होता है। लेबॉरेटरी सेफ्टी रूल्स में व्हेन ड्राइंग ब्लड फ्रॉम पेशेंट इज एन आइसोलेशन रूम आर मटीरियल टेकन इन रूम मस्ट रिमेन इन द रूम। जब भी आप किसी पेशेंट का कोई चीज़ मतलब टेस्ट वगैरह या क्यू ट्यूब में उसको आपने उसको आइसोलेट किया है ना, तो उसको आइसोलेटेड रूम में जो है ना आप कोई भी टेकन इन रूम मस्ट रिमेन इन द रूम, वो जो भी आपने चीज़ उस रूम से लिया वो उसी रूम में रहनी चाहिए।
लेबल्स ऑल ट्यूब्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पेशेंट विद आइसोलेशन स्टिकर्स। अगर हमने किसी पेशेंट का डाटा लिया है, मतलब लाइक उसका ब्लड टेस्ट वगैरह, तो उसको ट्यूब्स में रखा है, तो उसमें आपने उस पेशेंट को उसमें उस ट्यूब में आपने उसको लेबल करना है कि ये इस पेशेंट का है, उस पेशेंट का कोई कोड वगैरह लिखना, ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कि इस पेशेंट का ये डाटा है ट्यूब में। डाटा से मुराद ये कि मतलब उसका ब्लड सैंपल है। डोंट टेक एनी कल्चर आउट ऑफ द लैब फॉर एनी रीज़न। कोई भी चीज़ जो है ना, आपको लैब के बाहर किसी बगैर रीज़न के लेके जाने की इजाज़त नहीं है। ऑल कल्चर शुड बी हैंडल्ड एंड पोटेंशियली पैथोजेनिक। सब कल्चर और पैथोजेनिक होने चाहिए। लिक्विड कल्चर मस्ट आल्सो बी केप्ट इन टेस्ट ट्यूब रैक, और लिक्विड कल्चर को टेस्ट ट्यूब में स्टोर कैप्ट करना चाहिए। लेबोरेटरी सेफ रूल्स में है कि अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर टू केमिकल्स। ज़्यादा केमिकल्स एक्सपोजर से अवॉइड करें। इन केस ऑफ स्पिलेज वॉश आर एक्सपोज ह्यूमन टिश्यूज जनरसली विद वाटर। टॉक्सिक मटीरियल शुड बी हैंडल केयरफुली, उसको अच्छे तरीके से हैंडल करें। एंड कैप्ट इन दी होड ड्यूरिंग प्रिपरेशन, उसको हुड में रखें प्रिपरेशन के दौरान। ऑल लेबोरेटरी केमिकल्स आइडेंटिफाइड एज कार्सिनोजन, जो मोस्ट लेबल एड कार्सिनो, जो कि भी केमिकल्स जो कि कार्सिनोजन हैं उसमें ये लिखा होना चाहिए कि ये कार्सिनोजन। रेडियो एक्टिव मटीरियल शुड बी लेबल्ड एज रेडियो एक्टिविटी एंड स्टोर इन प्रॉपर कंटेनर टू प्रिवेंट स्पिलेज ऑफ लीकेज। कोई अगर कोई लेबॉरेटरी में रेडियो एक्टिव मटीरियल पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर लेबल लगाना जरूरी है कि ये रेडियो एक्टिव है। इलेक्ट्रिकली सेफ्टी, अनप्लग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आफ्टर यूज़। कोई भी अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो लाइब्रेटरी में, उसको यूज़ करने के बाद उसको अनप्लग कर दो। कीप आर इलेक्ट्रिकल कोर्स एंड वायर्स अवे फ्रॉम वाटर, पानी से इलेक्ट्रिकल कोर्स और वायर्स को दूर रखें। ऑल फ्लेमेबल रिएजेंट शुड बी केप्ट इन द फ्लेमेबल स्टोरेज फैसिलिटीज क्लोजेस्ट और रेफ्रिजरेटर एट टाइम्स व्हेन नॉट इन यूज़। कोई भी फ्लेमेबल रिएजेंट है ना, उनको फ्लेमेबल स्टोरेज फैसिलिटीज़ के ही अंदर रखें, ताकि इसे ये सेफ्टी का सबसे बेसिक रूल है। एनी सोल्यूशन कंपाउंडेड फ्रॉम दिस रेफ्रिजरेटर शुड बी लेबल्ड एज फ्लेमेबल। जो भी फ्लेमेबल केमिकल या रिएजेंट्स हैं, उसके ऊपर ही मैंशन होना चाहिए कि ये फ्लेमेबल है। कॉशन मस्ट बी टेकन व्हेन यूजिंग गैस बर्नर्स, बी श्योर गैस बर्नर्स आर टर्न ऑफ व्हेन फिनिश। और अच्छे तरीके से वो जो गैस बर्नर होते हैं लैबोरेटरी में, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद उसको बंद कर दें अच्छे तरीके से, ताकि उसमें खतरा ना हो कि वो गैस लीकेज का कोई इशू ना हो, जिससे लेबॉरेटरी में बहुत बड़े इशू क्रिएट हो सकते हैं बाद में। ऑल बायोहैजर्डस मटीरियल शुड बी डिस्कार्डेड इन अ बायोहैजर्ड बैग टू बी ऑटोक्लेव्ड। जो भी मटेरियल आपने बायोहैजर्ड मटेरियल जो है आपने यूज़ कर लिया, उसको डिस्कार्ड कर दें और बाद में उसको ऑटोक्लेव कर दें। डिस्पोज ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल्स स्ट्रिंज एंड टेस्ट ट्यूब इन प्रॉपर बायोहैजर्ड रिसेप्टेबल। और अगर जो नीडल्स और स्ट्रिंज यूज हो कंटेमिनेटेड है, उसको भी डिस्पोज कर दें। ऑल काउंटर एंड टेबल टॉप शुड बी डिसइंफेक्टेड विद प्रॉपर डिसइंफेक्टेड सोल्यूशन। ऑल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग शुड बी रिमूव प्रायर टू लिव इन द लैब। तमाम जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, उसको रिमूव कर दें लैब से बाहर जाते हुए। लैब सेफ्टी सिंबल्स हैं कि एनिमल हैजर्ड है, ये शार्प इंस्ट्रूमेंट हैजर्ड है, हीट हैजर्ड, ग्लासवेयर हैजर्ड, ये डिफरेंट सेफ्टी सिंबल है। जैसे हमें पता होगा कि ये इसमें इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है, ये IEM फेज हैजर्ड है, या फायर हैजर्ड है, एक्सपोजर हैजर्ड है, रेडियो एक्टिव हैजर्ड है, ये सारे सिंबल्स होते हैं लेबॉरेटरी में। बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल्स के हैं, जिससे लो रिस्क लेवल टू हाई रिस्क लेवल है। बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 1, 2, 3 एंड 4, इसके 4 लेवल हैं बेसिक, जो है नॉट नोन टू काज डिजीज इन हेल्थ ह्यूमन एडल्ट। मतलब वो हेल्थी ह्यूमन एडल्ट में कोई डिजीज काज नहीं करता। सेफ्टी इक्विपमेंट मिनिमल रिक्वायरमेंट, सबसे फैसिलिटीज ओपन बेंच टॉप है, नॉट काज डिजीज। और उसके बाद अगर दूसरे रूल की बात करें, लेवल की बात करें, तो उसमें माइल्ड मॉडरेट डिजीज़ वो है ह्यूमन में, माइल्ड मॉडरेट डिजीज़ का आ सकता है। सेफ्टी इक्विपमेंट जो इसमें यूज़ होते हैं, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नीडेड। फैसिलिटीज़ हैं भी इसमें, प्लस दी अवेलेबिलिटी ऑफ अ मैकेनिज्म फॉर डिकन्टेमिनेशन। लेवल 3 में एसोसिएटेड विद सीरियस और पोटेंशियली लीथल डिजीज इन ह्यूमन। सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। फैसिलिटीज में सेल्फ क्लोजिंग डबल डोर एक्सेस होनी चाहिए, सिंगल पास नेगेटिव डायरेक्शन एयर फ्लो होना चाहिए।
लेवल फोर है, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का असर कर सकता है ह्यूमंस में। इसमें सेफ्टी इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट, फुल बॉडीड एयर फ्लाइट, पॉजिटिव प्रेशर, पर्सनल सूट फैसिलिटीज में, प्लस डेडिकेटेड एयर एंड एग्जॉस्ट डिकॉन्टेमिनेशन प्रोसीजर फॉर एग्जिट सेपरेट बिल्डिंग। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट टूडे।